एम्बुलेंस कर्मियों को नहीं मिली सैलरी तो किया धरना प्रदर्शन। कोरोना संकट काल में दिन रात कोरोना वायरस की भूमिका निभाकर बीमार मरीजों के लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाले 102 एम्बुलेंस कर्मी शोषण से परेशान होकर हड़ताल पर चले गए। एम्बुलेंस कर्मियों ने अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस खड़ी करके चक्का जाम कर दिया। नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो जीवी के ही हमारी कंपनी है, ये हैदराबाद की कंपनी है, ये मराम वस्त्र कंपनी है। ये 9 महीने से हम लोगों का लगातार सैलरी के बेसिस पे शोषण कर रही है और हमारी 6 साल की ग्रेजुटी EF SI PF का पैसा ये खाद गई है। आप लोग कब तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। प्रदेश कमेटी के जो आह्वान पे हम लोगों ने धरना दिया है, जब तक प्रदेश कमेटी का कोई आदेश नहीं आता है, अग्रिम आदेश तक, तब तक धरना जारी रखते हैं। क्या मांग क्या है आपकी? मांगे हमारी है, जो हमारा 6 साल का PF का पैसा था, ये जीवी के ये हमारी कंपनी ने पैसा हमारे लोगों का रोक दिया है और SI PF का पैसा भी रोक रखा है। सैलरी MT की सैलरी 11,800 रुपये इस टाइम पे है, उसमें 6,000, 7,000, 5,000, 3,000 रुपये सैलरी आ रही है। आप लोग कितने घंटा ड्यूटी करते हैं? हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे का हमको पैसा दिया जा रहा है, 4 घंटे का ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम लोग 24 घंटे दिन रात सरकार से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं और सैलरी हमको 4,000, 5,000, 6,000 दी जा रही है, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण होना बहुत मुश्किल है। तो ये सरकार और हमारी कंपनी की लापरवाही है, क्योंकि सरकार जो है ये कंपनी पे कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सरकार चाहे तो कंपनी पे ठोस कार्रवाई करे या इसका टेंडर निरस्त किया जाए। और हमारी तो मांगे ये हैं सरकार से कि ठेका प्रथा को खत्म करके NHM में विलय किया जाए हम लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल सिंह कन्नौज एम्बुलेंस के पायलट, ये कहना चाहता हूँ हमारा 9 महीने से वेतन कट रहा है, हम लोगों को सैलरी दी जा रही है 2,000, 3,000। ऐसी महामारी में हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, तब भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश कमेटी हमारी जो लखनऊ में बैठी है, अनशन पर बैठी है, भूख हड़ताल पर बैठी है, उसका निर्णय मिला है, तब हम लोगों ने 102 की सेवा बंद कर दी है। कब तक चलेगी ये कोई, जब तक हमारे लोगों का समझौता नहीं होगा तब तक नहीं चल पाएगी। 108 चल रही है और 108 की गाड़ियाँ, 102 की गाड़ियाँ खड़ी कर दी। किसकी लापरवाही लग रही है? ये लापरवाही हमारे जो जीवी के कंपनी के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो लोग घोटाला कर रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला निकल रहा है। हमारे 1700 कर्मचारी निकाल दिए हैं, 1 साल से फर्जी उनका बिल भुगतान किया जा रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं दे रही है। आप लोग कितनी तनख्वाह मिलती है? हम लोगों को सैलरी 8,000, 9,000 मिलती है, उसमें भी कट के 2,000 किसी की आ रही, किसी की 3,000 आ रही, बताओ ऐसे हम लोगों को कैसे गुजारा होगा। कितने घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं? हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा भी ड्यूटी करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारा शोषण हो रहा, अधिकारी लोग करवा रहे हैं।